काफी छोटा है पर लेटर वन का गोल है। हाँ ओ अच्छा लाल बाबू इस तरफ से लेके आ रहा। हाँ लाल बाबू कहाँ घर है आपका? गया। अच्छा किनके सौजन्य से आप इस स्टेज तक आज पहुंचे हैं? चलिए नागेंद्र भैया बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर किसी कलाकार को आप आगे बढ़ाते हैं तो बिल्कुल भगवान आपको हमेशा आपके घर में खुशियां बरकरार रखेंगे। फिलहाल ये बड़ा ही प्यारा सराहना अपनी तरफ से कुछ जाना चाहेगा। मैं भी कुछ पूछना चाहूंगी। आप कितने साल के हो? 8 साल के हो। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? नेशनल पब्लिक स्कूल। और कौन सी क्लास में हो? 4 क्लास। क्या बात, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। ये स्टैंडर्ड 4 में है और आज आप सभी के सामने अपना गाना पेश करने वाले हैं। आप बिल्कुल रेडी हो? हेलो भैया हमार बाबा लाल बाबू हमार घर जाकर बा रहुआ दर्शक लग के गोल छू के गोल लगा तानी हमरा से गलती हो गई तो हमरा के घर के बालक समझ के माफ कर। Yeah.
बार बार, कभी कभी ब्रेक भी लगाया करो, कभी कभी ब्रेक भी लगाया करो। आइए मैडम, आइए। एक सबसे पहले एक इतना ही बड़ा सवाल तुम्हारे लिए। हाँ 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 अच्छा शादी करोगे वैसे? ओहो कोई नहीं, एक छोटा सा तो यस यस और देखिए मैंने कहा था आशीष, देखिए फिजूल की बातें तो बहुत सारी हो गई लेकिन ये बड़ा ही प्यारा सा बालक है। मैं तकरीबन दो साल पहले इससे मिला था, जब भी मौका मिलता है ये हमसे बहुत अच्छे से बातें करता है और मौका की तलाश में रहता है कि कहीं इसको मौका मिले, लेकिन ये लाल बाबू सच में आगे कमाल बाबू बनने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अपने से पहले हाथों में पकड़िए ऋषभ भाई, ये पहले अपने हाथों में पकड़िए। और जानते हैं पुरस्कार कहां से आया है, पता है आपको? ये पुरस्कार उनकी तरफ से आया है जिन्होंने आज आपको अस्कार मंच में खड़ा कर दिया है, यानी कि हमारे परम आदरणीय बड़े भैया नागेंद्र सिंह जी की तरफ से ये 500 रुपए का पुरस्कार लाल बाबू के नाम शुभकामनाएं भरी जा रही है इनके। इसकी शुभकामना भी कुछ कर दो, बिल्कुल फरमाइए इसकी शुभकामना के लिए। अगर कुछ आपकी इजाजत है तो मैं दो चार लाइन पढ़ देता हूं उसके लिए। पढ़ो पढ़ो, कहते हैं कि इनका अंदाज दुनिया से निराला है, इनका अंदाज दुनिया से निराला है। अगर नागेंद्र भैया के साथ आप सभी का आशीर्वाद रहे तो इसका भविष्य बहुत जल्द बदलने वाला है, बदलने वाला है। आपने तो भक्ति सुना दिया है ना, आप शक्ति भी गाते हैं। अच्छा अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भक्ति एंड शक्ति? मतलब दोनों में अंतर बताइए, भक्ति और शक्ति में क्या अंतर होता है?